में इतने सारे लोग मिल गए हैं। सासू जी बात करते करते आ रही हैं। तो चलो दोस्तों अभी हमारे साथ एक और बढ़ गया है तो हम चारों जा रहे हैं। तो दोस्तों चलो चलते हैं खाना खाने। पहली पेट पूजा फिर होगा जो भी होगा। तो ये है पताल देने वाले, एक गिलास देने वाले। मैं भी खाती हूँ फटाफट से। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनिता बगैया, स्वागत आपका मेरे एक और नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही सुबह के करीब 10 बजे से और मैं तैयारी व्यार हो गई हूँ एकदम। तो आज जाने की तैयारी हमारी बहुत दूर, क्योंकि आज है हम इन्वाइट बहुत दूर। तो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि कहाँ इन्वाइट है। हाँ माँ चल माँ भी होनी। तो दोस्तों निकल गए हम घर से और आधे रास्ते में पहुंच गए हैं, जो कि मेरे साथ आ रही मौसी जी और एक ननान लगती है हमारी, वो आ रही है क्योंकि वो भी उनका मायका भी माजब से है। और मौसी जी भी आ रही है, उनकी बेटी भी छोटी सी। तो चलो चलते हैं और बताते हैं आपको आगे आगे। तो देखिए दोस्तों आज हमें इतने सारे लोग मिल गए हैं जो कि ये जीव जा रहे हैं और हम तो माजब ही तक जा रहे हैं, देख सकते हैं। सासू जी बात करते करते आ रही हैं। तो दोस्तों माजब का रास्ता तो आप लोगों को मालूम ही है जो कि खराब होता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से ना ब्लॉकिंग करना भी बहुत मुश्किल है। तो कहीं ब्लॉकिंग करते करते खुद ही फिसल जाएंगे यहाँ, तो ऐसा रास्ता होता है। तो चलो दोस्तों अभी हमारे साथ एक और बढ़ गया है तो हम चारों जा रहे हैं वहाँ। तो हम जा रहे हैं चूड़ाकरण में, क्योंकि है वहाँ चूड़ाकरण मेरे सासू जी के भतीजे के लड़के की। तो चलते हैं हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों पहुंच गए हम जाके हमारा हो गया है और पढ़ाई वगैरह मैं छोटी। तो दोस्तों ये हल्दी और दूध मिल रहा है अभी, और बच्चे को नहाने की तैयारी हो रही है। तो नहाने वाला बेबी हो गोदी में। तो दोस्तों अभी हम बैठे हैं और मेरी सिस्टर की लड़की है यहाँ पे रो रही है, सब बैठे हैं। हम भी बैठे हैं आराम से। तो अभी ना गया, इसकी मतलब मुंडन है वो तो ना गया है, ऊपर गए हैं अभी पूजा वगैरह हो रही है ना अंशु, पूजा वगैरह हो रही है अभी। तो हम अभी बैठे हैं कैसा देखो, अपनी अपनी मीटिंग चल रही है सबकी वहाँ पर, जिनको ठंडा जाए और ठंडे पे बैठे हैं और हमें गर्मी, हम धूप पे बैठे हैं। हमको गर्मी नहीं हो रही, हमको ठंड लग रही है, इसलिए हम धूप पे बैठे हैं आराम से। तो दोस्तों चूड़ाकरण बाई के अब गाउन वगैरह भी छेद दिए हैं और अब हो गई है तैयारी वगैरह, मतलब माला वगैरह डालने की, जो होता है दान वगैरह। तो कोई पैसे भी देता है, कोई माला डालता है, कोई मतलब कपड़े जो भी ला रखे हैं किसी को भी देता है। तो मैंने तो उस बॉय के लिए ला रखे हैं पहले, तो साथ तो मैं सोचूंगी। तो दिखाते हैं आप लोगों को बाहर का नजारा जैसा के साथ। तो देख के मुंडन भाई को ना नींद आ गई है, तो सो गया है बेचारा आराम से। तो कोई नहीं, माला वैसे ही डाल रहे हैं।
तो जाके मेरे से आगे जा रखे है इतने लोग, उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ तो चिल्ला खाने की तैयारी हो रही है। लगा ना मना से आ देखो बहुत ज्यादा खाना खाने की तैयारी तो तो चलो चलते हैं खाना खाने। पहले पेट पूजा फिर होगा जो भी होगा। नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, गली गली से हमें खाना खाने के लिए। तो ये है पताल देने वाले, एक एक गिलास देने वाला। दोस्तों ये हमारी प्लेट रेडी है खाने की, राजमा की दाल और थोड़ा सब्जी और भात। तो चलो फटाफट से खाते हैं। सब लग गए खाने, अब मैं भी खाती हूँ फटाफट से। तो कुछ इस तरह से देते हैं पहाड़ों में खाना वगैरह। डांस वगैरह चल रहा है ढोल दमाओं पर और मैं अभी बिल्कुल अकेले हूँ यहाँ पर बैठी, और मौसम जो है बाहर में है तो मौसम भी ख़राब हो चुका है और हमारी तैयारी भी होने वाली है अब घर जाने की। तो दोस्तों निकल गए हम घर की ओर और आ रहे छोड़ने की। तो चलो चलते हैं क्योंकि मौसम भी ख़राब है और बारिश होनी स्टार्ट हो गई है। आ गई हूँ मैं घर और कब के पहुंच गए थे हम, क्योंकि ब्लॉगिंग बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि जब से मैं आई हूँ तो तब से ना बारिश ही होती जा रही है और अभी थोड़ी बहुत बारिश रुकी है। तुम्हारा आदू भी अभी थोड़ी बहुत खेल रहा है और बाद बाकी एक फोन दो क्या देखो अपने अपने फोन पे ना लगे हैं सब और बना रही हैं आजकल रोटी। तो देखिए कैसे बांगी तिबांगी रोटी बनी जा रही है आजकल। तो देखिए आजकल ना मैं इनके पास बनवा रही हूँ रोटी, क्योंकि इनको सिखा रही हूँ रोटी बनाना। इनको ना रोटी बनाना नहीं आता है पर फिर भी ठीक ही ठाक बना रही है ना। इतनी गोल है, इतनी गोल है, देखो दोस्तों इतनी गोल है, कितनी गोल है, दिल बना लिया पूरा। थोड़ा बहुत और बना लेते तो पूरा दिल बनता है ना दो, है ना दो। लगी है मेरे राधो आजकल। तो देखो मेरा आराध्या का फोन ऑफ हो गया है, बोल रही है अब मम्मा के पास दे रही है, ये तो स्विच ऑफ हो गया। चार्ज करने के लिए दे चाचा के पास जा, चाचा को दे आ रहा तो फोन नहीं देगी, उसका मन नहीं है, नहीं बोल रही, नहीं नहीं देगी आराधु। खुल गया, राधु का फोन खुश हो गया, राधु का फोन खुल गया, राधु खुश हो गई अभी है ना राधु। और अब लगाएगी वो चिड़िया रानी है, अब लगाएगी है, गाने भी लगा सकती है और चिड़िया रानी भी लगा सकती है। सुरु तू मामा मामा आरती के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है जब फोन खुलता है ना।
नो उसका फोन और वो कल परसों ऐसे कुछ भी मतलब नहीं था फोन फान क्या है सिर्फ गोदी में आ रही थी बोल रही थी गोदी गोदी निकालो मुझे बस गोदी नहीं बोलते मारे आज वैसे गढ़वाली में बोलती कोली कोली निकालो बोला मेरे को है ना हाँ आज थोड़ी ठीक है मिलो आज कुत्ता बस तो दोस्तों टाइम भी रात के 9 बज गए और हमने खाना पीना भी खा लिया और मेरे बाल देखो कैसे हो रखे और आराधी भी रो रही अभी तक ना गाने सुन रही थी और अभी मैंने उसे बंद करने के लिए बोला बंद कर लिया उसने आप नहीं जानती है करके लेकिन गाने बंद करके जानती है लैपटॉप में। तो चलो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं अनिता बघेल मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग के साथ और तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।